Hello friends, this is Rohit Damodi, your host and दोस्त, I hope you all doing great. आप सभी का एक बार फिर मैं अपने इस YouTube चैनल Spoken Master पर स्वागत करता हूँ. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. और आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो में आज हम सीखेंगे शुड के सभी यूज़. जो शुड है वो इंग्लिश बोलने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में उभर कर आता है. जो शुड है उसके बहुत सारे यूज़ है, तो हम वन बाई वन इन सभी यूज़ को सीखेंगे. तो चलिए सबसे पहले बात तो ये कि हमें अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी और अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी और हमें अंग्रेज़ी क्यों नहीं आती. क्योंकि हम अगर पढ़ते हैं तो हमें हर क्लास में जनरली इंग्लिश सब्जेक्ट आती है, बट इसके बावजूद भी हम अभी तक अंग्रेज़ी नहीं सीख पाए. तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम उस लैंग्वेज में बातचीत नहीं करनी पड़ती. हमें उस लैंग्वेज में बातचीत नहीं करनी पड़ती. जिसे अगर हम हिंदी सीखने की बात करें तो हम ना कहीं कोचिंग गए, ना किसी स्कूल कॉलेज ज्वाइन किया अंग्रेजी हिंदी सीखने के लिए, बट उसके बावजूद भी हम हिंदी इतनी फ्लुएंट बोलते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं. बट इंग्लिश में ऐसा क्यों नहीं? तो आज इसी टॉपिक पर मैं अपना थोड़ा बहुत अपने विचार रखना चाहता हूँ. तो सबसे पहली बात तो ये कि एक बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है. हमारे जो विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, और वो भाषा हमने सीखी है अपनी मातृभाषा. और वो मातृभाषा किसी की निमाड़ी हो सकती है, किसी की बघेली, भीली, बुंदेलखंडी, मालवी, इस तरह से किसी की मातृभाषा हो सकती है. और जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है. तो जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, अगर आप सपोज़ MP में हैं तो आप MP के अंदर हिंदी से काम चला सकते हैं, MP के अंदर हिंदी से काम चला सकते हैं. और अगर आपको कभी MP से बाहर जाना पड़ा, जैसे राजस्थान, तेलंगाना, मद्रास, कर्नाटका, बेंगलुरु, अगर आप इन स्टेट में जाते हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ेगी. जैसे राजस्थान की राजस्थानी, मद्रासी, तेलंगाना, इस तरह से जो बंगाली वगैरह ये लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप ये सब लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते. यूँ कहा जाए कि आप निश्चित समय में नहीं सीख सकते, सीख तो सकते हैं बट एक निश्चित समय में नहीं सीख सकते. तो इसके कारण एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाई गई है, वो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कहीं भी जाते हैं तो आप इंग्लिश से अच्छी तरह से कम्युनिकेशन किसी व्यक्ति के साथ कर सकते हैं. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है. अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, उसका जो इम्प्रेशन, इंग्लिश का इम्प्रेशन देखने को मिलता है. तो इंग्लिश सीखना इसीलिए ज़रूरी है कि हमें अपने विचार आदान प्रदान करने पड़ते किसी व्यक्ति के साथ. सो हम अपनी लोकल लैंग्वेज से, अपने लोकल एरिया में ही उससे बातचीत कर अपनी विचार आदान प्रदान कर सकते हैं. बट अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ हम अपनी लोकल लैंग्वेज में विचार आदान प्रदान नहीं कर सकते. तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस इंग्लिश लैंग्वेज का इतना प्रचार प्रसार हुआ है और इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज तक बना दिया गया है. तो आपको भी ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए. तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. और सबसे मेन बात ये कि अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल स्पोकन मास्टर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और उसकी साइड में आए घंटे के निशान को जरूर दबाइए, जिससे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए. तो चलिए ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ शुड हैव. हमें यह बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं. शुड हैव का प्रयोग हम यह बताने के लिए करते हैं कि हमारे पास से किसी भी व्यक्ति के पास कोई वस्तु, बिजनेस आदि होना चाहिए. हमारे पास या किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु, बिजनेस आदि होना चाहिए, तो हम इस स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं. तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. तो चलिए स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं. हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन. सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन. सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, नेम, इस तरह से सब्जेक्ट हैं. और शुड हैव एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है नाउन. तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया. इस तरीके से हम कई तरह की एग्जांपल्स बना सकते हैं. जैसे राम के पास कार होनी चाहिए, राम के पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, मोहन के पास बांसुरी होनी चाहिए. तो इस तरीके से हम कई एग्जांपल्स बना सकते हैं. तो चलिए
हम कुछ एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा स्पोकन मास्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए घंटी के निशान को जरूर दबाइए, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, अलका के पास हार होना चाहिए, अलका के पास हार होना चाहिए। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, अलका शुड हैव अ नेकलेस, अलका शुड हैव अ नेकलेस। अगला एग्जांपल, मोनिका के पास नौकरी होनी चाहिए, मोनिका के पास नौकरी होनी चाहिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, मोनिका शुड हैव अ जॉब, मोनिका शुड हैव अ जॉब। इसका अगला एग्जांपल है, हमारे पास लालच नहीं होना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, हम शुड हैव के नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसा हमारे पास लालच नहीं होना चाहिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, वी शुड नॉट हैव ग्रीड। अगला एग्जांपल, सरकार के पास योजनाएं होनी चाहिए। सो गवर्नमेंट शुड हैव प्लान्स। तो इसी तरह से हम कई और एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे जो पेशेंट के पास पानी की बॉटल होनी चाहिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, पेशेंट शुड हैव वाटर बॉटल। और जो जैसे खिलाड़ी के पास जज्बा होना चाहिए, अगर कोई भी खिलाड़ी है तो उसके पास जज्बा होना चाहिए जरूर जीतने के लिए कोई भी मैच। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, प्लेयर शुड हैव पेशेंट। अगला, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर शुड हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो इसी तरह से हम कई एग्जांपल्स बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। और जो बाकी के शुड हैव के यूज है, जो बचे हुए यूज है शुड हैव के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसका पार्ट सेकंड वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह के मैं अंग्रेजी सिखाने के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो चलिए आपसे अलविदा लेता हूँ, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब स्पोकन मास्टर।